नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। डिंडोरी जिला आदिवासी जिला है, यहाँ खिलाड़ियों में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। खिलाड़ियों में प्रतिभा संवारने की आवश्यकता है। खिलाड़ियों को बेहतर गाइडेंस और खेल के बेहतर मौके न मिलने के कारण खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाते। जरूरत है कि समय समय पर खेल प्रतिभाओं को निखारा जाए और उचित प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए। गौरतलब है कि आदिवासी प्रतिभाओं को संवारने के लिए पंकज तेकाम नगर पंचायत अध्यक्ष डिंडोरी ने अनोखी पहल कर आदिवासी खिलाड़ियों को खेल का प्रदर्शन करने का मौका देने का काम किया। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब हाल ही में जिले की बेटियों ने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिखाकर जिले का नाम रोशन कर चुकी हैं। दंगल गर्ल चांदनी कुंजाम ने प्रदेश स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आश्चर्यचकित कर दिया था। डिंडोरी जिले की बेटी साक्षी कुश्ती का चयन दौड़ प्रतियोगिता में हुआ है। साक्षी कुश्ती ऑस्ट्रेलिया में दौड़कर डिंडोरी जिले का नाम रोशन करेंगी। जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें निखार कर उचित प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से जिले में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वॉलीबॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के वॉलीबॉल टीम के साथ आदिवासी जिला डिंडोरी के वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खेल का जोहर दिखाएंगे। श्री पंकज तेकाम जी को आमंत्रित करूंगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। जबलपुर की गढ़ा थाने के अंतर्गत आने वाले पूर्वा इलाके में बुधवार की देर रात 18 साल के युवक दीपक नामक युवक को चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों को वारदात के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। बुधवार की रात हुई इस घटना के बाद गढ़ा थाने में देर रात तक हंगामा हुआ था। स्थानीय लोग थाने के सामने प्रदर्शन कर पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना की थी और 24 घंटे के भीतर ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि बुधवार की रात गढ़ा पुरवा निवासी दीपक जब अपने साथी अमित और पवन के साथ झंडा चौक पर खड़ा था, तभी पास से निकल रहे तीन युवकों को गाड़ी की टक्कर दीपक की गाड़ी से हो गई। इसको लेकर पवन का विवाद आरोपियों से हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों में से एक ने चाकू से दीपक और उसके साथी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में दीपक के सीने और दाएं कंधे में गंभीर चोट आई है और उसकी मौत हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। जिला परिवहन अधिकारी और वहां पर तैनात एजेंटों का विवाद अब सरे रह गया है। आज मामूली बात को लेकर फिर एजेंट और आरटीओ एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद आरटीओ ने सभी एजेंटों को कैंपस से बाहर कर दिया। गुस्सा एजेंटों ने गेट के बाहर आकर जमकर हंगामा किया और आरटीओ संतोष पाल पर कई संगीन आरोप लगाए। परिवहन विभाग में बैठने वाले एजेंटों ने जिला परिवहन अधिकारी संतोष पाल पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीओ ने परिवहन विभाग के सभी नियम कानून को ताक में रख दिया है और जो भी फीस शासन के द्वारा निर्धारित की गई है उस फीस से कहीं बढ़कर आरटीओ पाल साहब पैसे मांग रहे हैं। वहीं अगर किसी को अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवाना हो तो उसे घंटों तक चपरासी के सामने खड़ा करवाया जाता है, जबकि नियम के तहत आरटीओ या सेकंड क्लास के अधिकारी को गाड़ी के कागज मालिक के सामने चेक करने का अधिकार है। वहीं नाम ट्रांसफर के लिए जहां 800 से 850 रुपए की जगह 1500 से 1700 रुपए की मांग आरटीओ के द्वारा की जा रही है। एजेंटों ने जिला परिवहन अधिकारी पर ये तक आरोप लगाया है कि संतोष पाल साहब ने परिवहन विभाग से हटकर कई नियम बनाए हैं। आज हुए हंगामे के बाद करीब 250 से ज्यादा एजेंटों ने 13 जनवरी तक के लिए काम को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि 13 तारीख को सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री लखन घनघोरिया से मुलाकात की जाएगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आरटीओ में बैठना है या नहीं। इधर जिला परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने आज हुए विवाद को लेकर कुछ कागजी दस्तावेज को बताया है। बहरहाल आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ सभी एजेंट लामबंद हो गए हैं। माना जा रहा है कि एजेंटों के द्वारा मंत्री लखन घनघोरिया से की गई आरटीओ की शिकायत उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऑफिस के काम को लेकर के कुछ पेपर्स वगैरह को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिन पेपर्स की मांग की गई है और अभी सभी लोग वो पेपर्स जो पहले नहीं लग रहे थे जो विधि सम्मत थे उनको लगाना था, उसको लगाने के लिए तैयार हो गए, सभी एग्री हो गए और वो पेपर सब लगाए जाएंगे और सुचारू रूप से जैसे पूर्व में काम चल रहा था वैसे। मेरा कहना ये है कि जैसा कि ये गाड़ियाँ हम लोग एक्सचेंज करते हैं, हम लोग पुरानी गाड़ियों को सेल परचेज काम एक्सचेंज का काम करते हैं। हम आज गाड़ी खरीदते हैं, हमारी गाड़ी बिकने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। को आज बिक जाए, को एक महीने बाद बिके, को 15 दिन बाद बिके, को साल ना बिके, ठीक जो पार्टी एक्सचेंज करके वहाँ पर गाड़ियाँ लेके चली जाती हैं वो दोबारा उनको बुलाओ, क्योंकि पैसे पहले ले चुकी होती, कभी प्रस्तुत हो पाती, कभी प्रस्तुत नहीं हो पाती। जिनने गाड़ी हम पर एक्सचेंज करी वो चले गए। अब विक्रेता हमारे लाने में तकलीफ
तकलीफ होती है। हम साल भर भर छः महीने भर गाड़ी बिकती है, किसी कारण लेट हो जाती है तो हम विक्रेता को प्रस्तुत नहीं कर पाते, उस चीज़ में हमें फीस देनी पड़ रही है। हम कहाँ से प्रस्तुत कर पाए, हमारा व्यापार वैसी खराब चल रहा है, स्थिति वैसी भी डामाडोल है। जबलपुर जिला पुलिस द्वारा संभाग स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस ग्राउंड में 9 जनवरी से शुरू हुई खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के सभी संभागों के पुलिसकर्मी वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का कौशल दिखा रहे हैं। एसपी अमित सिंह ने बताया कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस का फिट रहना जरूरी है। इस प्रकार के आयोजनों से न सिर्फ पुलिसकर्मी स्वस्थ रहते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ टीम भावना से खेल कर आपस में जुड़ते भी हैं। बहरहाल 15 जनवरी तक चलने वाले इन खेलों के बाद भी प्रयास किए जाएंगे कि थाना स्तर पर भी लगातार खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित होती रहें। देखिए पुलिसिंग फिटनेस से जुड़ी हुई चीज़ है और मेरा मानना है कि हमारा जो फील्ड का ऑफिसर होता है उसकी भर्ती का एक प्रमुख अंग उसकी फिटनेस होता है, फिजिकल फिटनेस होता है। जब वो भर्ती में आता है तो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, बाकायदा उसका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी करता है और 4-5 साल के अंदर एक ऐसा स्टाफ जो सबसे फिट होता है जो अन्य सर्विस के लोगों की तुलना में, वो 5-6 साल के अंदर ही उसकी फिटनेस जो है उसमें लगातार डिटोरिएशन आता है। ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की गई है उसके पीछे मकसद बहुत ही स्पष्ट है, फिटनेस के प्रति एक ललक हमारे स्टाफ के अंदर जागृत हो। साथ में खेलेंगे, साथ में जीतने के लिए प्रयास करेंगे तो एक टीम स्पिरिट भी आएगी, टीम वर्क भी आएगा और ये टीम वर्क निश्चित तौर पर अगर ग्राउंड पुलिसिंग में उतरेगा, फील्ड में उतरेगा तो उसके रिजल्ट भी सकारात्मक आएंगे। इसके अलावा तनाव मुक्ति भी है। अभी पूरा लास्ट 6 महीना बंदोबस्त का रहा, चुनाव जैसी चीजें, विधानसभा इलेक्शन हमारे स्टाफ ने करवाया, निश्चित तौर पे रेस्ट की जरूरत थी। ये जो एक सप्ताह का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इंटर सब डिविजनल हमने स्टार्ट किया उसके पीछे मकसद बहुत ही स्पष्ट है कि आपस में खेलें, आपस में एक दूसरे के लिए ताली बजाएं, एक दूसरे को बकअप करें, एक दूसरे से टीम स्पिरिट के साथ जुड़े, ये अटैचमेंट बेहद जरूरी है। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि 14 जनवरी के बाद भी थाने लेवल पर भी ये चीजें जारी रहेंगी। थाने में भी एक्टिविटीज, वॉलीबॉल जैसी चीजें हम जो 1-1.5 घंटे का गेम है खेल सकते हैं, जिसमें हम वहाँ के स्थानीय लोगों को, नवयुवकों को भी शामिल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह कम्युनिटी पुलिसिंग का पार्ट भी होगा, फिटनेस से भी जुड़ी चीजें हैं और पुलिस अधिकारी अगर फिट रहेगा तो वो फिटनेस उसके काम पे भी दिखेगा और हर पब्लिक का आदमी भी पुलिस वाले को फिट देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा पुलिस अधिकारी जो है वो फिट दिखाई दे और फिट अधिकारियों के प्रति जनता में एक अलग तरीके की छवि रहती है। तो निश्चित तौर पे इन्हीं उद्देश्यों के तहत ये किया गया और ये जारी रहेगा। सट्टा कारोबारियों के साथ मिलकर रहना और उनसे पैसे वसूल करना गोहलपुर थाने के कर्मचारियों को गत दिनों महंगा पड़ गया। सटोरियों के पास से मिली डायरी और उसमें उल्लेख पुलिसकर्मियों के नाम के साथ साथ लिखी रकम सामने आने के बाद एसपी अमित सिंह ने 24 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबन होने वालों में 7 हेड कांस्टेबल हैं जबकि 17 आरक्षक। गोहलपुर थाने में पदस्थ आधे स्टाफ के एक साथ निलंबन होने पर पूरे जिले के पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। जैसा कि पहले भी एसपी अमित सिंह ने जुआ खिलाने वालों और सटोरियों के साथ मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों को समझाइश दी थी कि कोई भी अवैध काम में लिप्त न हो, बावजूद इसके निलंबन होने वाले पुलिसकर्मी इस गौरव धंधे में शामिल है। ऐसे हुआ खुलासा। हाल ही में एएसपी दीपक शुक्ला के साथ उनकी विशेष टीम ने अमखेरा में रहने वाले श्याम कुमार के घर जब दबिश दी तो वहां से 5,000 रुपए नगद, लाखों की सट्टा पट्टी सहित एक डायरी भी मिली। डायरी को जब एएसपी दीपक शुक्ला ने पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। गोहलपुर थाने के आधे से ज्यादा स्टाफ का नाम डायरी में लिखा हुआ था। इसके अलावा ये भी लिखा था कि किस पुलिसकर्मी को कितना पैसा हर माह सटोरिया श्याम कुमार द्वारा दिया जाता है। एएसपी ने इस डायरी से एसपी को अवगत कराया जिसके बाद एसपी ने 24 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। देखिए 24 लोगों को निलंबित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनको लगातार हिदायत दी गई थी। मैं छुट्टी पे था और हमारे एडिशनल एसपी दीपक शुक्ला जी के पास चार्ज था, उन्होंने भी 2 को सस्पेंड किया था और उस समय भी ये कहा था कि आगे हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पीएचक्यू गए थे, पीएचक्यू में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा में उन्होंने कहा था कि जुआ, सट्टा, स्मैक, शराब, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद से हमारी कार्रवाई बढ़ गई थी और लगातार कार्रवाइयाँ हो रही थी, लेकिन कई जगह ऐसे में सूचना मिल रही थी कि हमारी टीम के जाने से पहले ही वहाँ पर सूचना पहुँच जा रही थी और हमारा जो रेट था वो फेल हो जा रहा था।
कल हमारे प्रोबेशनर रविंद्र वर्मा जो आईपीएस अधिकारी हैं, दीपक शुक्ला स्वयं एक रेड पर गए थे और वहाँ जो डायरियाँ जब्त हुई उन डायरियों में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। इसमें कुछ स्टाफ के नाम थे, पूरा के पूरा थाना जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल था वो मंथली वहाँ से पैसा लिया करता था और अपनी किसी भी तरह का खुला संरक्षण दिया जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरी के पन्ने प्रोबेशनर के सामने फाड़ने का प्रयास भी किया गया और उसको फाड़ के डस्टबिन में डालने का भी प्रयास किया गया, जो निश्चित तौर पे एक वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थिति में ऐसा करना अक्षम्य है। इनको सस्पेंड किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी स्टार्ट की है। एडिशनल एसपी को इसकी विभागीय जांच हमने दी है और जल्द ही इनको बड़ी सजा मिलेगी, बर्खास्त की भी कार्रवाई हो सकती है। निश्चित तौर पे पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सिस्टम में कुछ थोड़े से लोग हैं जो हमारे अच्छे काम को ढक लेते हैं, 2-3-4% लोग, इन्हीं को हम अब चिन्हित करेंगे, इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जिनको हम समय समय पर रिवार्ड भी देते हैं, उनके अच्छे कार्यों को एक्नॉलेज भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जिसको पीएचक्यू के हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। मंडला जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत संगम घाट, महाराजपुर और झूलापुर इलाके से नाबालिग बच्चों को लंबे समय से बोन फिक्स नशा करने वाले बच्चों को नशा करते हुए पकड़ा और उन बच्चों के माध्यम से उस दुकानदार को भी धर दबोचा जहाँ से इन मासूम बच्चों को ये नशा मुहैया कराया जाता था। बोन फिक्स बेचने वाले दुकानदार को बाल कल्याण समिति मंडला के अध्यक्ष मनीष पांडे की अगुवाई में कोतवाली थाना प्रभारी प्रदीप सोनी और उनकी टीम ने गिरफ्तार कर भारी मात्रा में बोन फिक्स बरामद किया है। दुकान की पहचान मां पूजन सामग्री भंडार नामक बताई जा रही है। बाल कल्याण समिति मंडला के अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि उक्त कार्रवाई जेजे एक्ट पर की जाएगी और इस तरह के आरोपी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई चल रही है आपकी, क्या प्रकरण है पूरा? यहाँ पर पुराने समय से एक शिकायत मिल रही थी कि मंडला में बहुत से बच्चे हैं जो नशीला पदार्थ बोन फिक्स, जो कि काम आता है उसके लिए पंचर बनाने के लिए, उसको इनहेल करके नशा का सेवन करते हैं। तो ऐसे कई मामले हमारे पास में आए थे, तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने लेटर लिखा हुआ था और उसमें कार्रवाई की गई थी। आज CWC मंडला जो हम लोग प्रभार पर हैं, तो हमने चाइल्ड लाइन और स्पेशल जुबिनाइल पुलिस यूनिट उसके साथ में मिलकर रपटा घाट और संगम घाट में कार्रवाई की है। तो रपटा घाट में हमें एक घाट में 4 बच्चे ऐसे मिले जो बैट का इसका उपयोग करते हुए मिले, तो हमने उनसे जब्त किया जो बोन फिक्स था वो भी जब्त किया, जिस कपड़े में वो इनहेल करते थे वो भी जब्त किया है, और 2 बच्चे हमें मिल पाए और 2 बच्चे मौके का फायदा उठाकर पानी में कूद गए और दूसरे साइड निकल गए, तो वो बच्चे भाग गए, तो 2 बच्चे हमारे पास में हमने उनको पकड़ा और उनको आधार बनाते हुए हमने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने हमें एक दुकान का नाम बताया। हमने पूछा कहाँ मिलता है, तो उन्होंने दुकान का नाम बताया जिसका नाम था माँ पूजन प्रसादी भंडार, रपटा घाट में ये सारी दुकानें पूजन सामग्री की लगती हुई हैं। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, सिटी कोतवाली से ही पुलिस आई और टीआई सोनी जी हैं वो भी आए और हम लोगों ने उसकी तलाशी करवाई, तो तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हमें बोन फिक्स मिले, जबकि पूजन सामग्री की दुकान में बोन फिक्स रखने जाने का कोई औचित्य नहीं है। तो उस पर हम लोग अब कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी और इसमें हम 77 और 78 जेजे एक्ट और लगाएंगे साथ में, जिसमें इस ऐसे बच्चों पर जो नशा करते हैं उनको रोका जा सके और जो बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जिसमें ये चीजें रुक सके। रोकथाम के लिए कोई उपाय? उपाय ये है कि हमें अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले लोग वहाँ का जो मंदिर के आसपास रहते हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए, समाज को भी अवेयर होना चाहिए कि जो चीज हम किसी बोन फिक्स को पंचर बनाने के उपयोग में ला रहे हैं, अगर बच्चा उसमें नशा करता हुआ दिखता तो हमें रोकना भी है और ऐसे देने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करवानी।
डिंडोरी जिले के विक्रमपुर चौकी के क्षेत्र में पंप तार चोरों ने नाक में दम कर रखा था। काफी लंबे समय से अज्ञात चोरों ने मोटर पंप और तार चुराकर आमजनों को परेशान कर रखा था। दो संदिग्धों को विक्रमपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की, जिसमें रमई अगरिया और सुग्रीव अगरिया के पास से तीन मोटर पंप तार बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि विक्रमपुर क्षेत्र में काफी समय से अज्ञात चोरों ने धमा चौकड़ी मचा रखी थी। पुलिस के साथ आमजनों के नाक में दम कर रखा था। पुलिस की सक्रियता के चलते मोटर पंप चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अब किसान सहित आमजन ने राहत की सांस ली है। 30 और 31 तारीख की रात की चोरी की घटना की रिपोर्ट हुई थी, जिसमें चौकी प्रभारी द्वारा प्रकरण की विवेचना की और विवेचना के दौरान दो संदेहियों के नाम आए, जिसमें रमई और सुग्रीव। उनसे पूछताछ से तीन मोटर पंप बरामद हुए हैं और इन दोनों आरोपियों ने अपनी घटना स्वीकार की है। घटना के संबंध में और अभी पूछताछ की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा लगातार ओवरलोडिंग बिना रॉयल्टी परिवहन के चलते कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज लोकल ट्रक एसोसिएशन जबलपुर द्वारा कुछ बिंदुओं के निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष रविशंकर यादव ने बताया कि डायल 100 जिनका मूल काम तय समस्याओं का निराकरण करना है, लेकिन उनके द्वारा मोटर मालिक को बेवजह परेशान किया जाता है। सात जिले के आसपास आने वाले थाने के स्टाफ, थाना प्रभारी द्वारा वैधानिक रॉयल्टी और गाड़ी के पूरे पेपर होने के बाद भी ओवरलोडिंग और अन्य कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जो बंद होनी चाहिए। अगर ऐसे ही बिना वजह मोटर मालिकों पर बेवजह कार्रवाई की जाएगी तो रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इन सभी बिंदुओं को अवगत कराते हुए लोकल ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए निराकरण की मांग की है। लोकल ट्रक एसोसिएशन की ओर से मैं अध्यक्ष रविशंकर यादव, माननीय जबलपुर एसपी को ज्ञापन सौंपने आया था। एसपी साहब ने हम लोगों को बड़े अच्छे से आश्वस्त किया, आप लोग काम करें, आप लोगों की सब समस्या सुनेंगे, लेकिन कोई भी कार चोरी ना करें, नहीं तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। और हम लोगों ने भी यही कहा कि साहब, हम लोग चोरी नहीं करते हैं। रॉयल्टी होने के बाद ओवरलोडिंग का जो केस बनाया जाता है, एक्चुअली क्या है, हम लोगों के घन मीटर के हिसाब से रॉयल्टी मिलती है। कंपनी मेट हाईवा डम्फर जो होते हैं 8 घन मीटर 14 घन मीटर के, हम उसी प्रकार से रॉयल्टी कटाते हैं और घन मीटर के हिसाब से ओवरलोडिंग करते हैं। एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आपकी पूरी सहयोग करेंगे, क्योंकि आज 10-15 दिन से पूरे जबलपुर का कार ही रुकने लगा, मोटर मालिक बहुत परेशान हो गए। अगर मोटर नहीं चलेंगी, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो जबलपुर का विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोग माननीय एसपी साहब को आज आवेदन देने आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि आप सच्चे ढंग से काम करें, हम आपका सहयोग करेंगे। और जो भी पुलिस वाला गाड़ी रोकता है, आप हमें रात में 2 बजे भी फोन करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जबलपुर गोरखपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हाथीताल निवासी वीरू सोनका नशे के इंजेक्शन बेच रहा है, जिसकी सूचना तत्काल TI उमेश तिवारी ने गोरखपुर CSP अर्जुन उइके को दी। और दिशा निर्देश मिलते ही हाथीताल से घेराबंदी कर वीरू सोनकर को इंजेक्शन और सीरिंज के साथ धर दबोचा और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने प्रेम सागर निवासी राहुल सोनकर के पास से इंजेक्शन वगैरह खरीदना बताया। गोरखपुर CSP अर्जुन उइके ने TI उमेश तिवारी की एक टीम गठित कर आरोपी वीरू को लेकर दो जगह छापे मारे, जहां प्रेम सागर में राहुल सोनकर की दुकान से नशीले इंजेक्शन बरामद कर हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। वो वापस करना ना, जो मेडिकल में है ना, सारा डेट भी बस। अब कल कुछ इंजेक्शन के साथ बच्चे लड़के अपराधी पकड़े गए, बताइए इसमें क्या है। वीरू सोनकर है जो हाथीताल कॉलोनी में रहता है, उसके यहाँ की हमें सूचना मिली थी कि वो इंजेक्शन बेच रहा है, वो इंजेक्शन नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी सूचना पर हमने वहाँ कार्रवाई की, वीरू सोनकर को पकड़ा गया। वहाँ से इंजेक्शन सिरिंज और निडिल बहुत सारे मिले, उनको वहाँ से जब्त किया, उससे पूछताछ की। पूछताछ पर उसने बताया कि वो राहुल सोनकर जो कि प्रेम सागर में रहता है, वहाँ से लेकर आता है, उसके पास भी माल मिल सकता है। तो वहाँ से फिर हम लोग वहाँ गए राहुल सोनकर के यहाँ,
उसके मेडिकल स्टोर और उसके घर की तलाशी ली गई, छापा मारा गया, वहाँ से भी कुछ नशीले इंजेक्शंस बरामद हुए, वहाँ से जब्ती के उपरांत हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया और आज इनको न्यायालय जीआर को भेजा। क्या इनको पुराने रिकॉर्ड है? वीरू सोनकर जिला बदर है, वीरू सोनकर जिला बदर है। हालांकि डिंडोरी जिले की दर्री मोहगांव में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा धड़ल्ले से जेसीबी मशीन लगाकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था। खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन की कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन में लगी एक जेसीबी मशीन सहित एक ट्रैक्टर जब्त किया। आपको बता दें कि विक्रमपुर दर्री मोहगांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के द्वारा खनन की अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति के ठेकेदार धड़ल्ले से दिन दहाड़े जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को जब्त करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रोड में जो मरम्मत खनन हो रहा था रोड निर्माण कार्य के लिए, उसकी जांच कार्रवाई की गई। मौके पे अवैध उत्खनन होना पाया गया, बिना परमिशन की अनुमति, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए नहीं गए मौके पे। तो जब जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर थाना विक्रमपुर के अंतर्गत खड़ा शासकीय वृक्ष में रखा गया। कार्रवाई तो किस तरह की कार्रवाई होगी? अवैध उत्खनन। सतना माँ चामुंडा ट्रेनिंग कंपनी के सामने हो रही कार्यवाही के हिकड़ी दिखा रहे दुकानदार को कलेक्टर सतना सत्येंद्र सिंह ने फटकार लगाई है। दलबल के साथ पहुंचे कलेक्टर ने डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के साथ शहर भ्रमण पर नगर निगम के प्रभारी आयुक्त साकेत मालवीय, एसडीएम पीएस त्रिपाठी, एसपी संतोष सिंह गौर समेत प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला सहित अन्य विभाग प्रमुख रहे स्थल में मौजूद। प्रशासन ने चलाया कानूनी चाबुक। गौरतलब बात है कि मौके पर मौजूद पुलिस कप्तान ने राजकुमार सिंह नामक व्यक्ति पर कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जा करने के बाद हेकड़ी दिखाने पर उसे भेजा गया। हवालात सतना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के आने के बाद जिले में आए प्रशासनिक स्तर पर तेजी जो गलत दिखाए सामने ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तुरंत सड़क किनारे जितनी भी रेत पड़ी है उन्हें जब्त करके सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग करने के लिए निर्देश दिए गए। गैस सिलेंडर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। एसपी ने तत्काल गुमटियां हटाने और जब्त करने की सख्ती के साथ निर्देश दिए। लगातार बढ़ रही चोरियों के चलते शहपुरा पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। बढ़ती चोरियों के चलते शहपुरा में आए दिन होती है गाड़ियों की चोरी। टूटते हैं घरों के ताले। 2 माह में लगभग हो चुकी हैं 4 गाड़ियां चोरी। जबलपुर जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत मोटरसाइकिल की चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मोटरसाइकिल चोरियां घर के अंदर से भी नहीं रुक रही हैं। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग आते हैं अपनी रिपोर्ट लिखाने, लेकिन पुलिस आवेदन लेकर चलता कर देती है। वहीं अन्य चोरियों के मामले में भी पुलिस 4 से 5 दिनों तक पीड़ित लोगों को घुमाते नजर आते हैं। आखिर चोरी के मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में क्यों टाइम लगाती है, ये बड़ा सवाल है। विगत 2 माह पूर्व शाहपुरा की प्रतिष्ठित व्यापारी की लूट के बाद जघन्य हत्या कर दी गई। उसके बावजूद पुलिस की रात्रिकालीन गश्त क्या में क्या करती है? जिस तरीके से अवैध उत्खनन रेत के मामले के लिए पुलिस चुस्त रहती है, बाकी मामलों के इस कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। चोरी पर क्यों लगाम नहीं लगाई जा रही है? अब देखना है कि पुलिस के आला अधिकारी इस खबर के बाद क्या एक्शन लेते हैं। आपकी गाड़ी चोरी? मेरी परसों रात में 10 तारीख की रात की घटना है। 2 से 4 बजे के बीच में मेरे घर के आंगन में मेरे दरवाजे से गाड़ी मेरी MP20 MD डिस्कवर ब्लैक रंग की है, 5192 उसका नंबर है, चोरी गई। मैंने सुबह 9-10 बजे आकर थाने में साहब को बताया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। उन्होंने कहा आप देख लो डिस्कवर काले रंग। जी जी बता बताएं। तो साहब ने कहा 2 घंटे और देख लो, फिर उसके बाद अगर मिल जाती है तो अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने 12 बजे आवेदन दिया। तो आपने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बोला था? बोला था मैंने, बोले आप आवेदन दे दीजिए, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, लेकिन पता साजी अभी तक नहीं कुछ। तो आपने आवेदन, उन्होंने आवेदन के लिए बोला आपसे? हाँ। कि आवेदन दे दो आप। तो आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं बोला कि भाई आप हमारी? बोला ना साहब, बोले हम ढूंढ रहे हैं गाड़ी। अच्छा अच्छा जी। चलिए नाम बताएं आप अपना। नरेंद्र कुमार रजक, वार्ड क्रमांक 4 सहपरा बटोली। चलिए धन्यवाद। यहाँ से मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर चोरी चली गई है, और इसकी जानकारी मुझे जब हुई जब मैं लगभग 11 बजे रात में शटर बंद कर रहा था और मैंने बाहर गाड़ी को अंदर करने के लिए देखा तो बाहर दाएं बाएं देखा, कहीं थी नहीं। तुरंत मैंने अपने CCTV फुटेज पर आकर देखा तो 2 लड़कों के द्वारा 9 बजे ठीक रात में गाड़ी को चोरी कर लिया गया है। CCTV कैमरे में वो लड़के दिख रहे हैं? CCTV कैमरे में दोनों लड़के दिख रहे हैं। थोड़ा उनका अंधेरा होने के कारण चेहरा स्पष्ट नहीं है,
लेकिन उनका चाल ढाल और उनका हाइट हेल्थ और लगभग वो जहाँ के हैं वो थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है। लगभग 80 साल की बुजुर्ग गुरुवार को सुबह बरम बाबा देवालय मंदिर से जल चढ़ाकर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार नाबालिग ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। नाबालिग भिटौनी तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर आ रहा था, उसी समय बुजुर्ग महिला को सामने से जोरदार टक्कर मारकर महिला को घायल कर दिया, जिसमें उसके दाएं पैर की एड़ी के नीचे से पैर की हड्डी दो टुकड़ों में हो गई। उसके अलावा महिला के सिर से खून निकलने लगा। राहगीरों और वहीं के दुकानदारों ने तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर स्थिति होने के कारण उसे मेडिकल रेफर किया और पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर मामला दर्ज किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।